रिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अच्छे खासे क्यूज ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, तो जिस तरह का प्रदर्शन हमें कुछ समय से झेलना पड़ रहा है, क्या माना जाए आज राहत मिलेगी, आज एक खरीद का दिन हो सकता है, सर क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत तो लगातार सातवें दिन अमेरिकी बाजारों से काफी मजबूती के हैं, लेकिन दिक्कत की बात ये कि भारतीय बाजार उन संकेतों पर ज्यादा रिएक्शन दे नहीं रहे हैं। और कल भी आपने देखा कि 22,000 के नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखी है। एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में बिकवाली के बड़े आंकड़े आते हुए दिखे। ऐसे में गैप से खुल गए तो ऊपर टिकना मुश्किल होगा। पहली उछाल पर तो बिकवाली आने की संभावना पूरी है, और उसके बाद अगर बाजारों को ऊपर आना भी है तो वोलेटाइल होकर फिर आखिर में सेकंड हाफ में एक मजबूती दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि एसबीआई के नतीजे कल जो आए हैं वो थोड़ा सा बाजार का मूड ठीक करने वाले हैं, तो ऐसे में बैंकिंग सेक्टर से लिए थोड़ा सा रिलीफ एसबीआई के नंबर्स के बाद आ सकता है। जहां तक लेवल्स का सवाल है, जो हमने 19 अप्रैल के आसपास के लोज बनाए थे, एक बार बाजार वहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और वो लेवल्स हैं 21,775 से 21,850। ये रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। हायर साइड पे 22,175 ये वो रेंज है जिसमें आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। आज अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पर हम 22,000 के ऊपर बंद हो पाते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट होगा, और वीकली क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं मानी जाएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 47,250 ये आपके लिए पहली रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है सपोर्ट करने के लिए। आपसे उम्मीद करता हूँ कि 47,000 के नीचे बाजार न जाए। हायर साइड पर आपके लिए 47,850-48,000 पहली रुकआउट की जगह है। असली मजबूती तभी दिखेगी जब आप 48,000 के पार निकलकर टिक कर फिर ट्रेड करना शुरू करें, तब तक आप सेल ऑन राइज वाला मार्केट ही देखेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि एक और जहां ग्लोबल सपोर्ट है, बाजार अच्छे लेवल्स पर आ चुके हैं करेक्ट होकर, वहीं दूसरी ओर एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर है। तो देखते हैं आज फ्लोज किस तरह के रहते हैं। शुरुआती 15 मिनट आधा घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि बिकवाली फ्रेश और एफआईआई की तरफ से होती है या वो हाथ रोकते हैं। जी थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए और बताने के लिए कि क्या आज एक्सपेक्ट करके चलना है।